मोबाइल फोन तो प्रायः सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आजकल पढ़ने वाले बच्चे अधिक यूज करते होंगे स्मार्टफोन विशेषकर, क्योंकि प्रायः सभी क्लास के बच्चों की परीक्षा ओवर हो चुकी है, उनकी परीक्षाएं सब खत्म हो गई है, इसलिए बच्चे इंटरटेन करने के लिए मोबाइल फोन यूज करते होंगे। वैसे बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए भी, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी मोबाइल फोन यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं मोबाइल फोन यूज करने से मना नहीं करता, अच्छी बात है, इसका यूज आप इंटरटेन के लिए कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देर रात तक मोबाइल फोन यूज करना अच्छी बात नहीं है इंटरटेन के लिए, क्योंकि ऐसे प्रायः देखा जाता है कि बहुत से बच्चे मोबाइल फोन देर रात तक यूज करते हैं, लेकिन अपने तकिया के नीचे अपने बेड पर रख देते हैं, जिसे उस मोबाइल फोन से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, जिस रेडिएशन का नाम है RF रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यह जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है यह शरीर को प्रभावित करता है, खासकर बड़े बुजुर्गों की अपेक्षा बच्चों की आंख जो होती है वह मोबाइल फोन से निकलने वाले स्मार्टफोन से निकलने वाली जो ब्लू कलर की जो रोशनी होती है उस रोशनी को अधिक एब्जॉर्ब करती है बच्चों की आँख की रेटिना, वह रेटिना से होते हुए वह रोशनी ब्लू रोशनी वह ब्रेन तक चली जाती है। तो बच्चे मैं एक चीज़ से आपको आगाह करना चाहूँगा कि आपकी आँख वह मोबाइल फोन का जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के साथ साथ जो ब्लू रोशनी निकलती है नीला रोशनी, उस रोशनी को आपकी आँख अधिक एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपकी आँख की रेटिना से होते हुए वह रोशनी ब्रेन में चली जाती है, जिससे ब्रेन कैंसर भी होने का खतरा रहता है। तो बच्चे अपने आँख को बचाने के लिए, अपने ब्रेन को बचाने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मोबाइल फोन का यूज देर रात तक मत कीजिए, और यदि आप मोबाइल फोन रखते भी हैं रात में तो बेड से 3.5 फीट 3 से 3.5 फीट की दूरी पर रखिए, तभी मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन आपको प्रभावित नहीं करेगा, उससे निकलने वाली जो रोशनी है उस रोशनी का भी आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे मेरी बात यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।